नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एटू जेड। जनपद आगरा से इस वक्त की खबर। यमुना पार्क के अस्पताल ने ली एक महिला मरीज की जान। पथरी का 3 दिन में 3 बार किया ऑपरेशन। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से पनप रहे हैं जिले में कुकुर मुत्तों की तरह फर्जी अस्पताल। आखिर कब तक ऐसे ही जान जाती रहेंगी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में फल फूल रहे हैं जिले में हजारों फर्जी अस्पताल। आखिर कब नींद से जागेगा कुंभकर्ण, नींद में सोया स्वास्थ्य विभाग। समाचार रेडियो जेड के लिए आगरा से जावेद खान के साथ सद्दाम खान की रिपोर्ट। बच्चा भटकता रह रहा है। होटल ना पानी तलक नहीं ऑपरेशन दो ऑपरेशन बत्ती करी जा में परसों ऑपरेशन करायो 8 बजे की टाइम पे संजा को पर जाने जे नहीं कही के जा में गंता है गो। फिर सवेरे कल सवेरे 5 बजे कल सवेरे वो ऑपरेशन दूसरा के करो है। कौन सा हॉस्पिटल है जी? कौन सा पर 300 है जी हॉस्पिटल दूसरा के प्रिपरेशन करो पर जाने जे ना कही का जे कंत है गो है जा ले जाओ यहाँ पे अंत जाने कही ना है। पतरी को भयो पतरी को अंत अब खत्म हो गई। अब डॉक्टर वगैरह है बाकी सब बाज गए यहाँ पे कछु बुना है रो। हुआ ये बॉडी ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं तो इनको 2 दिन पहले ऑपरेशन के लिए लेके आए थे। एक छोटा सा ऑपरेशन था पथरी का। अब उस ऑपरेशन के दौरान ये लेके आए तो उन्होंने ऑपरेशन किया। अब ये तो स्पेशलिस्ट है नहीं। स्पेशलिस्ट होने के बाद में इन्होंने किसी डॉक्टर को बुलाया है। डॉक्टर के दौरान इन्होंने ऑपरेशन कराया है। लेट नाइट ऑपरेशन किया करीब रात को करीब 2-2.5 बजे ऑपरेशन हुआ है। तो ऑपरेशन होने के दौरान इनसे ऑपरेशन में कोई मिस्टेक हुई है। उसे पेशाब के रास्ते से ब्लीडिंग शुरू हो गई। ब्लडिंग शुरू होने के बाद में फिर इन्होंने दोबारा फ़ोन किया लेट नाइट ही कि ऐसे से ब्लड की ज़रूरत है, 3 बोतल ब्लड चाहिए। तो 3 बोतल हैंड टू हैंड ब्लड ला के दिया इन्होंने। फिर दोबारा इन्होंने ऑपरेशन टाँके खोल के दोबारा से ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के दौरान फिर इन्होंने दोबारा अब पेशाब के रास्ते से जो ब्लड आ रहा था तो यूरिन की दिक्कत बिल्कुल बंद हो गई। अब यूरिन ही नहीं आ रहा तो उसकी वजह से ये कंडीशन हुई है। ये डेथ हुई है। जो लापरवाही पूरी थी डॉक्टर हो गई है। कौन सा हॉस्पिटल? ये GD हॉस्पिटल।